उम्मीद है आप सब अपने घर में खैरियत से होंगे। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट साइंस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 शुरू करेंगे, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमें मालूम है कि ह्यूमन बॉडी, इवन जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी हुई है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का, उसकी बॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट यूनिट, जिनको हम कहते हैं सेल्स। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें कि किस तरह हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज हुई है, तो बॉडी सेल्स से मिलकर बनती है। सेल्स डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं बॉडी के अंदर, जो बॉडी को बना रहे हैं। अब एक जैसे सेल्स इकट्ठे होकर एक ग्रुप की शक्ल में जो चीज बनाते हैं, उनको हम कहते हैं टिश्यू। सेल्स इकट्ठे होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते हैं और टिश्यूज बना देते हैं, जिनका स्पेसिफिक काम होता है, एक मखसूस फंक्शन होता है। और सेल्स ग्रुप की शक्ल में अपना एक मखसूस काम अंजाम देते हैं जब वो टिश्यू बनता है। अब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज कंबाइन होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्गन। एक ऑर्गन के अंदर, यानी एक उस के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मौजूद होते हैं और टिश्यूज का काम स्पेशली उस ऑर्गन से रिलेटेड ही होता है। यानी कि वो जो काम अंजाम दे रहे हैं, जो फंक्शन, वो स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं, इट बिकेम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। यानी वो मजबूरी तौर पर उस ऑर्गन का ही काम बन जाता है। अब इसी तरह जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, पैंक्रियास एक ऑर्गन है, ये ज्यादा इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदरूनी जो ऑर्गन हैं, वो जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अब ये ऑर्गन सेल्स से मिलकर बने हैं, सेल्स से टिश्यूज बने हैं और टिश्यूज इस ऑर्गन को बना रहे हैं और इस ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे हार्ट को देखें, तो हार्ट का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाना। स्टमक का काम है डाइजेशन में हेल्प करना। किडनीज का काम है बॉडी से जितना वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। इसी तरह अब ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं ग्रुप की शक्ल में, ग्रुप बना देते हैं और सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी वो निजाम, वो काम जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन्स अपना हिस्सा डालते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन के दो ऑर्गन सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा जो ऑर्गन सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप ओपन कर लें अपनी बुक साइंस और पेज नंबर 4 खोल लें, चैप्टर नंबर 1 का। सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन का मतलब होता है हजम करना। डाइजेशन यानी के खुराक को हजम करना, ऐसा निजाम जिसके जरिए खुराक बॉडी के अंदर हजम होती है, डाइजेस्ट होती है और बॉडी में अब्सॉर्ब होती है ब्लड के अंदर और बॉडी का हिस्सा बन जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज द फूड इन द फॉर्म इट इज गिवन बाय अस। अब हम जो फूड लेते हैं वो एज इट इज बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकती, पहले उसको तोड़ना होता है, पहले उसको क्या करना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसकी तोड़ फोड़ करनी पड़ती है ताकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल में कन्वर्ट हो जाए और वो बॉडी का हिस्सा बन जाए। और बॉडी चेंजेस इट इनटू सिंपलर फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। खुराक को तोड़कर स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करने का जो अमल है उसे हम कहते हैं डाइजेशन। The parts of the body that take part in the process of digestion form the digestive system. अब जिस्म के वो हिस्से जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, डाइजेशन के अमल में कंट्रीब्यूशन करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं,
शुरू होती है माउथ से, मुंह से। उसके बाद ये आपको एक ट्यूब नजर आ रही है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप। ये वो पाइप है, वो किनार है जिसके जरिए फूड आपके कहाँ जाती है, स्टमक। अब इसमें लीवर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स, डाइजेशन कहाँ होती है और कैसे होती है ये हम देखेंगे। The process of digestion occurs in a long tube called alimentary canal. हमारे माउथ से लेकर एनस तक, ये जो लास्ट पॉइंट है, इस तक का जो पूरा एक आपको पार्ट नजर आ रहा है, पूरी ट्यूब नजर आ रही है, इस ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री केनाल। ये वो पार्ट है, वो केनाल है जिसके जरिए फूड बॉडी में एंटर होती है और इसके एंड पॉइंट से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। The process of digestion occurs in a long tube called alimentary canal. It starts from mouth and end in anus. ये माउथ से शुरू होती है, हमारे मुंह से शुरू होती है और कहां पे खत्म हो जाती है, एनस। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है एलिमेंट्री किनाल का और ये उसका एंडिंग पॉइंट है जहां पे एलिमेंट्री किनाल खत्म हो जाती है। सबसे पहले डाइजेशन शुरू होती है माउथ से, आप फूड लेते हैं, माउथ में जाती है, माउथ में टीथ मौजूद होते हैं जो उस फूड को ग्राइंड करते हैं, उसको पीसते हैं। हम चुबाते हैं तो चुबाने के जरिए फूड पीसी जाती है, ग्राइंड हो जाती है, स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये क्यों जरूरी है, कि इसलिए जरूरी है ताकि जो केमिकल्स हमारे स्टमक में मौजूद हैं या माउथ में मौजूद हैं, सलाइवा, वो उस फूड के ऊपर अटैक नहीं कर सकते अनलेस और अंटिल उसको छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड ना कर दिया जाए। तो फूड को तोड़ना बहुत जरूरी है, उसे छुपाना जरूरी है और छुपाने का काम कौन करते हैं, हमारे टीथ। छुपाने के बाद टंग क्या करती है, जुबान उसको रोल बैक कर दी जाती है और फूड को पीछे वाली साइड में पुश कर देती है। अब इस दौरान, इस च्यूइंग प्रोसेस के दौरान सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे माउथ में जो सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा कहते हैं स्पूच, सलाइवा का मतलब है। अब इस केमिकल में जो स्टिकी मटेरियल भी होता है, पानी भी होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड के ऊपर अटैक करते हैं और स्टार्च को तोड़ देते हैं, स्टार्च को ब्रेक कर देते हैं। जो फूड में कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है और वो डाइजेशन कहाँ होती है, हमारे माउथ में, यानी कि माउथ में स्टार्च की डाइजेशन कम्प्लीट हो जाती है। अब इसके बाद कुछ हद तक स्टार्च छूटती है, जो बाकी रह जाती है वो कहाँ चली जाती है, आपके स्टमक में, स्टमक में जाकर उसकी डाइजेशन। तो ये सारा काम जो है ये माउथ में हो रहा है। The process of digestion begins from our mouth. Our teeth break the food into small pieces by cutting and grinding. The tongue mixes the food with saliva. इसमें आपको बताया कि saliva के जरिए food को क्या किया जाता है, moist किया जाता है, इसको नमदार किया जाता है और soft कर दिया जाता है, which is secreted by salivary gland. Saliva कौन secrete करते हैं, आपके mouth में मौजूद salivary gland होते हैं जो कि सलाइवा बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं। सलाइवा स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड स्टार्च। सलाइवा के जरिए स्टार्च की डाइजेशन, स्टार्च के ऊपर जाके कुछ सलाइवा के केमिकल्स हैं जो अटैक करते हैं और उसके अटैक से क्या होता है कि सलाइवा स्टार्च कुछ हद तक टूट जाता है। आफ्टर सम टाइम द फूड इज इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। कुछ देर के बाद फूड नरम हो जाती है। द टंग पुशेस द फूड थ्रू द बैक ऑफ द माउथ, और हमारी जुबान क्या करती है, उसको हमारे मुंह के पिछले हिस्से की जाने इस तरफ आपके फूड के पार्टिकल को, अगर ये फूड का पार्टिकल है तो यहाँ पे इसको पुश करवा देती है। अब उसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को लेबल करें तो सबसे पहले क्या है, माउथ, और ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है इसे हम कहते हैं एसोफेगस, कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस के बाद हमारा स्टमक और ये है लीवर जो डाइजेशन में हिस्सा डालता है। उसके बाद पेंक्रियास, लीफ लाइक होता है, पत्ते की तरह का चिपटा एक ऑर्गन है, इसका भी रोल है डाइजेशन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत और एनस जो मैंने आपको भी बताया और एनस से पहले जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन आता है वो क्या है रेक्टम। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं माउथ एसोफेगस लिवर स्टमक पैंक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एनस। अब एसोफेगस क्या है? The chewed food is then pushed from the mouth into the esophagus. चुबाई हुई खुराक को मुंह के पिछली जानिब तक ले दिया जाता है और वो कहाँ चली जाती है? Esophagus में। The esophagus is a large tube that carries food from the mouth to the stomach. The esophagus uses wave-like muscular movement to push the food to the stomach. Esophagus में जो wave-like contractions होती हैं, वो क्या करती हैं? Muscular contractions होती हैं जो food को आगे की तरफ push करती हैं। जो एसोफेगस की वॉल्व में मौजूद स्टमक सॉरी एसोफेगस की वॉल्व में मौजूद जो मसल्स होते हैं वो करते हैं। मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है कि फूड को आगे की जाने पुश किया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इस अमल को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस के अमल से फूड एसोफेगस से पास करती हुई कहां आ जाती है? स्टमक। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और स्टमक इज अ लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर वेल। अब अगर मेदे को देखा जाए स्टमक को अगर देखा जाए तो ये एक जे शेप का मस्कुलर वेल है। इसके द्वारा जो मसल है वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और फूड को इस तरह से मिक्स करते हैं जैसे कि एक जूसर या एक ग्राइंडर फूड को मिक्स करता है। इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे ही फूड आपके स्टमक में आती है तो स्टमक की वॉल्व में से कुछ जूसेस रिलीज होते हैं जिनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस में कुछ एंजाइम होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं जो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब फूड कुछ देर तक स्टमक में स्टे करती है। लाइक अगर आपने कोई हैवी फूड खाई है तो वो स्टमक में 4 से 5 घंटे गुजार सकती है। तो इस दौरान क्या होता है? स्टमक की वॉल्व में से जूस रिलीज किया जा रहा होता है। जो जूस होता है उसके अंदर एक एसिड भी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। अब डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? फूड के पार्टिकल्स पे अटैक करते हैं और कुछ हद तक पार्शियल डाइजेशन करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोटीन्स की और फैट्स की। अब डाइजेशन के साथ साथ एसिड जो रिलीज होता है ये आपकी फूड में मौजूद जो बैक्टीरिया है जर्म्स है और इस दौरान क्या होता है कि जब स्टमक में फूड मिक्स हो रही होती है तो चर्निंग का प्रोसेस होता है जिसके दौरान हीट पैदा की जाती है। हीट के थ्रू जितना भी फैटी मटेरियल होता है आपकी बॉडी से उसकी डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। और स्टमक इज अ लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर बैग। इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस। द डाइजेस्टिव जूस बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि मीट एंड मिल्क पल्सेस। द फूड स्पेंड अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। The digestive juice in the stomach also contains an acid. Acid होता है। The acid kills the germs present in our food जो हमारी food में मौजूद जरा सीमों को खत्म करता है। It also helps in the digestion of protein. उसके बाद है small intestine. As food leaves our stomach, जैसे ही food हमारे stomach को छोड़ती है, it is passed on to the small intestine, which is a long thin tube coiled inside our abdomen. Final digestion of carbohydrate, fats and अक्सर इन स्मॉल इंटेस्टाइन पहले डाइजेशन कहाँ हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दी ऑर्गन्स हैव द डाइजेशन ऑफ फूड हियर। दीज आर द लिवर पैंक्रियाज एंड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे लिवर पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी दीवारें कुछ जूसेस रिलीज करती हैं जिससे फूड की डाइजेशन मुकम्मल होता है। द लिवर प्रोवाइड बाइल सॉल्ट्स टू मेक फैट इजियर टू एब्जॉर्ब। लिवर क्या देता है? बाइल फैट देता है। बाइल सॉल्ट के जरिए फैट की डाइजेशन करते हैं। द पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल वॉल सीक्रेट जूसेस टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड आल्सो अकर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी सिंगल लाइन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिल्म।
हमारे ब्लड के अंदर फूड एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इस सिंगल लाइन प्रोजेक्शन की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। एरिया के इंक्रीज होने की वजह से, सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से फूड बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर। डी डाइजेस्टेड फूड, इनको हम कहते हैं बिली। ये बहुत सारे बिली हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल्स में मौजूद है। डी डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द बिली। द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ब्लड क्या करता है, फूड के पार्टिकल्स को बॉडी के तमाम हिस्सों तक पहुंचा देता है। इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासेस इनटू द लार्ज। अब आपकी जो फूड हजम नहीं हुई होती या डाइजेस्ट नहीं हुई होती या ब्रेक नहीं हुई होती, वो फूड अनडाइजेस्टेड कहाँ चली जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर बॉडी की एब्जॉर्प्शन होती है, पानी उसके अंदर से एब्जॉर्ब किया जाता है और जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको आगे पास करवा दिया जाता है रेक्टम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेक्टम है कुछ देर तक उनको अपने अंदर स्टोर करके रखता है और बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम से एनस के थ्रू ये बॉडी से फूड आउट हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। हियर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी को उसमें से एब्जॉर्ब किया जाता है। द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ी आंत का सबसे अहम काम यह है कि पानी को क्या करती है, it is a common digestive disorder.
पार्ट ऑफ द बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बॉडी के वो तमाम हिस्से जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो ब्रीथिंग में हेल्प कर रहे हैं, वो क्या बनाते हैं बॉडी का? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है सांस लेने का निजाम, सांस लेने का अमल या सांस लेने का निजाम। अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट देखे जाए तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले रेस्पिरेशन शुरू होती है हमारे नोज से, नोज, उसके बाद नोज नॉस्ट्रिल्स, थ्रोट, थ्रोट के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया या विंड पाइप भी इसको कहा जा सकता है, इसको हम विंड पाइप भी कह सकते हैं। इसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद आपकी फूड, आपकी एयर कहाँ चल जाती है? लंग्स में, और लंग्स में मौजूद होते हैं एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई में जाती गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। सबसे पहले डायग्राम यहाँ पे आपको शो हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, डायग्राम को लेबल करते हैं। ये हमारा नोज है और नोस्ट्रिल के थ्रू हवा बॉडी के अंदर जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू, एक ढक्कन सा मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बाद आता है लैरिंक्स, लैरिंक्स जिसको हम सांस की नाली भी कहते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जिनसे एयर जाके कर जाती है, तो वाइब्रेशन पैदा होती है, आवाज पैदा होती है। उसके बाद ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई दोनों तरफ के लंग्स में एंटर हो जाते हैं। ये लंग्स हैं, ये आपका राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। यहाँ पे ये जो आपको स्मॉल नजर आ रहे हैं ये है ब्रोंकियोल्स, यहाँ पे ये ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई डिवाइड होकर ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हर ब्रोंकियोल के एंड पर, हर ब्रोंकियोल के एंड वाले सिरे पर जो हवा की थैलियाँ मौजूद होती हैं, एयर सैक्स होती हैं, उनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बेसिकली वो जगह है जहाँ पे जाके गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी होता है। अब इसको देखते हैं, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज एंड थ्रोट, विंड पाइप, ट्रैकिया, द ब्रीथिंग मसल एंड दी लंग्स। नोज एंड थ्रोट, द एयर एंटर थ्रू आवर नोज और माउथ, हवा नोज से या माउथ से एंटर होती है। आवर नोज हैज हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन मॉइस्चर एंड वार्म द एयर, द म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक इन द म्यूकस। नाक के अंदर छोटे से बाल होते हैं और म्यूकस मौजूद होता है जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे नोज में रह जाते हैं और क्लीन एयर आपके नोज से पास हो जाती है। द एयर एंटर द थ्रोट एंड पासिंग थ्रू द लैरिंक्स, आवर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरिंक्स टू प्रोड्यूस साउंड। उसके बाद आता है ट्रैकिया, विंड पाइप। एयर पासिंग फ्रॉम द लैरिंक्स इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप, हवा कहां गुजरती है? ट्रैकिया में या विंड पाइप में। आवर विंड पाइप इज मेड ऑफ सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज। अगर इसको देखा जाए तो इसमें सी शेप की कार्टिलेज की रिंग्स मौजूद हैं। और लंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट
कोल्ड है तो उसकी खांसने या छींकने से एक हेल्दी पर्सन में उसके वायरस ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड आर सोर थ्रोट, गला साफ हो जाना, आपका खांसी, रनिंग नोज, नाक का बहना, कंजेशन, स्नीजिंग, छींक आना, हेडेक, सर दर्द होना, वी मे हैव फीवर ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड, बाद में बुखार भी हो जाता है। देयर इज नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर द कॉमन कोल्ड, लेकिन इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। हाउएवर यू मे ऑब्जर्व द फॉलोइंग फाइंडर्स, गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, ज्यादा से ज्यादा आराम करें, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड एंड इफ सिम्टम्स परसिस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपको आराम से मजीद जाहिर होती है तो आप डॉक्टर से रब्ता। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया लंग्स का इंफेक्शन है, लंग्स में एम्बोलाई में इंफेक्शन आने की वजह से निमोनिया की कंडीशन होती है। निमोनिया इज एन इंफेक्शन दैट अफेक्ट द लंग्स, ये वो है जो वायरस की वजह से या किसी और जर्म की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कॉज हो सकता है। द लंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई, के अंदर इंफेक्शन पैदा हो गया है, बस पसीन हो गई है, तो उस वजह से निमोनिया की कंडीशन हो जाती है। विच आर फिल्ड विद एयर, व्हेन अ पर्सन हैज निमोनिया द एल्वियोलाई आर फिल्ड विद पस व्हिच मेक्स ब्रीथिंग पेन, अब पस के भरने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। निमोनिया इज अ मेन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, अब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो चिल्ड्रन की डेथ की सबसे बड़ी वजह क्या है? निमोनिया है। कॉमन सिम्टम्स की क्या है? कफ, खांसी, फीवर, बुखार, नेजल कंजेशन, सांस लेने में मुश्किल होना या बाजू का अगर गला सूख जाता है, एंड ब्रीथिंग रैपिड ब्रीथिंग साउंड, मतलब सांस लेते वक्त आवाज पैदा होना, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब है भूख खत्म होना। विजिट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल टू ट्रीट निमोनिया, योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक